हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉम टाइप्स के बारे में जो कि हमारा फिफ्थ सेशन है टेक्जोनोमी एंड डायवर्सिटी का तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं नॉमिन टाइप्स के बारे में तो पहले नॉमिन टाइप होता क्या है पहले हमें ये समझना जरूरी है तो एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि कभी भी अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखना है ठीक है साइंटिफिक नेम रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा राइट right. उसके कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा अभी कैरेक्टर्स को अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी उस ऑर्गेनिज्म की ठीक है अगर हमें इंसानों का नाम रखना है साइंटिफिक नेम है वैसे लेकिन अगर हमें रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक इंसान को लेके आना पड़ेगा ताकि हम उसके कैरेक्टर्स देख सके और उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन या फिर उसका नाम रख सके तो वहां पे वो ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा हमें एज अ सैंपल यूज करना पड़ेगा या फिर उसको लेके आना पड़ेगा तो ये जो सैंपल है ये पॉपुलेशन में जो एक ऑर्गेनिज्म है इसे ही क्या कहते हैं हम नॉमिनचर टाइप नॉमिन क्लेचर टाइप सिंपली अगर मैं बोलूं तो ऐसा सैंपल या फिर ऐसा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम नाम देने के लिए यूज कर रहे हैं ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे नॉमिनचर टाइप कहेंगे तो नॉमिन क्लेचर टाइप क्या है इट इज अ पर्टिकुलरली इट इज पर्टिकुलरली वन स्पेसिमेन कोई एक स्पेसिमेन होगा किसी का भी हो सकता है वन स्पेसिमेन ऑर्गेनिज्म का जो कि साइंटिफिक नेम देने के लिए जो कि साइंटिफिक नेम देने के लिए अटैच किया जाएगा ठीक है साइंटिफिक नेम देने के लिए अटैच किया जाएगा सो दैट ऑर्गेनिज्म और दैट स्पेसिमेन उसको क्या बोलेंगे हम नॉमिन टाइप कहेंगे ठीक है तो ये जो स्पेसिमेन होता है ये म्यूजियम में भी हो सकता है या फिर रिसर्च सेंटर में भी हो सकता है रिसर्च कलेक्शन में भी हो सकता है तो उसी एक स्पेसिमेन को जो हमने नाम देने के लिए यूज किया उसको हम क्या कहते हैं नॉमिन टाइप कहते हैं या फिर सिंपली इसको हम टाइप भी लिखते हैं तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सो so, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नॉमिन टाइप होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं लेकिन बेसिकली हम डील करेंगे चार के साथ तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ नॉमिन टाइप का ताकि आपको थोड़ा समझ में आए तो जैसे हमने यहाँ पे ये बटरफ्लाई को क्या किया है बटरफ्लाई को एज अ रेफरेंस यूज किया है नाम देने के लिए नाम रखने के लिए तो ये क्या है दिस इज अलेचर टाइप ये क्या है नॉमिनक्लेचर टाइप है तो साइंटिफिक नेम जब भी हम देते हैं सो इट मस्ट बी अटैच टू अ फिजिकल एंटिटी किसी भी एक फिजिकल एंटिटी के साथ वो अटैच होना चाहिए वो नाम तो उसी फिजिकल एंटिटी को या फिर उसी स्पेसिमेन को हम क्या कहते हैं नॉमिनक्लेचर टाइप कहते हैं सो बेसिकली ये नॉमिन टाइप के भी अलग अलग प्रकार है अलग अलग टाइप्स है जिनमें हम चार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज होलो टाइप आइसो टाइप लेक्टो टाइप एंड न्यू टाइप सिंपली मैं आपको बता देती हूँ बेसिक इनका मीनिंग क्या है नेक्स्ट स्लाइड में आप डेफिनेशन भी देखोगे इनकी बट मैं अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है टाइप्स तो पहला जो है दैट इज होलो टाइप तो होलो टाइप ऐसा स्पिसमैन जिसके ऊपर हमने क्या किया है नाम रखा है सो इट इज पिसमेन अपॉन विच अ नेम इज बेस्ड किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम हमने रखा है वो किस बेसिस पे रखा है होलो टाइप के बेसिस पे जैसे इस स्लाइड में ये जो है जो मेटेरियल है जिसके बेसिस पे हमने इसका नाम दिया है इस ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है तो ये क्या हो जाएगा ये होलो टाइप हो जाएगा ठीक है सपोज यहाँ पे हमने क्या किया हमने यहाँ पे आ, किसी ह्यूमन बींग को यूज किया और उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया नॉमेंट लेचर कर दिया तो ये क्या है बच्चों ये यही है होलोटाइप इसे क्या कहेंगे हम होलोटाइप कहेंगे तो होलोटाइप इज द वन स्पेसिमेन एक ऐसा स्पेसिमेन जिसके बेसिस पे ही हमने क्या किया है नाम रखा हुआ है ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा होलो टाइप होलोटाइप के बाद आता है टाइप इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा फील्ड दिखा देते हैं सेकेंड क्या है हमारा आइसो टाइप तो अभी यहाँ पे एक साइंटिस्ट गए तो उन्होंने क्या किया उन्होंने यहाँ पे पॉपुलेशन को स्टडी किया किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को उन्होंने क्या किया यहाँ पे स्टडी किया तो जब ये सैंपल कलेक्ट करके लाए ठीक है इन्होंने क्या किया बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए यहाँ से बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए उन सैंपल्स में से उन्होंने एक को एक सैंपल को क्या किया सपोज यहाँ पे उन्होंने ट्वेंटी सैंपल कलेक्ट किए ठीक है ट्वेंटी सैंपल्स क्या किए कलेक्ट किए उसमें से एक सैंपल को उन्होंने यूज किया नाम रखने के लिए और उसी सैंपल को हमने क्या कहा होलो टाइप कहा उसके बाद उनके पास बचे नाइनटीन सैंपल जो कि उन्होंने जो कि सेम पर्सन ने सेम टाइम पे सेम जगह से कलेक्ट किए थे यानी कि बचे हुए कितने हमारे उन्नीस हमारे सैंपल्स बचे हुए ठीक है तो इन उन्नीस सैंपल्स को हम क्या कहेंगे अभी इन्हीं उन्नीस सैंपल्स को बोला जाता है बच्चों आइसो टाइप इन्हीं को क्या कहा जाएगा इसको बोला जाता है आइसो टाइप तो होलो टाइप क्या है ऐसा स्पेसिमेंट जिसको हम नाम रखने के लिए यूज कर रहे हैं उसके अलावा जो भी स्पेसिमेंट बचे हुए हैं जो साइंटिस्ट सेम टाइम पे सेम जगह से कलेक्ट करके लाया है उनको क्या बोला जाएगा आइसो टाइप कहा जाएगा यहाँ तक क्लियर है वेरी गुड अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लेक्टो टाइप तो लेक्टो टाइप क्या है तो इसके लिए ये समझना जरूरी है बच्चों कि कभी कभार क्या होता है कि होलो टाइप प्रेजेंट नहीं होता कभी कभार होलोटाइप प्रेजेंट नहीं होता अब इसका रीजन क्या है कि जब भी वो नाम पब्लिश किया गया था जब भी वो नाम पब्लिश किया गया होगा तो उस टाइम पे पे लेने की बजाय वहां का इलस्ट्रेशन लिया होगा उसको कंसिडर किया होगा तो उस केस में होलोटाइप प्रेजेंट नहीं होगा ठीक है तो लेकिन हमें तो एक टाइप दिखाना है एक फिजिकल एंटिटी दिखानी है नाम रखने के लिए तो हम क्या करेंगे इस आइसो टाइप में से इस आइसोटाइप्स में से किसी एक मटेरियल को हम बोलेंगे एज अ होलोटाइप टाइप आइसो टाइप में से हमने क्या किया एक मटेरियल को एज अ होलोटाइप या फिर नॉमेंटर टाइप यूज किया इसी को हम क्या कहेंगे लेक्टोटाइप कहते हैं इसी को हम कहते हैं लेक्टोटाइप इसी टाइप के स्पेसमेंट को हम क्या कहेंगे लेक्टोटाइप कहेंगे डेफिनेशन आगे की स्लाइड में आपको दिख जाएगी क्लियर एक्सप्लेन भी कर दूंगी मैं अभी टेंशन नहीं लेना है ठीक है तो कभी कभी क्या होता है होलोटाइप प्रेजेंट नहीं होता मिसिंग होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं ओरिजिनल मटेरियल को एज अ स्पेसिमेन यूज करते हैं नॉमन के लिए तो वो ओरिजिनल मटेरियल से आता है आइसो से आता है क्लियर है वेरी गुड नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज न्यू टाइप न्यू टाइप नाम से समझ में आ रहा है न्यू इस केस में कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो होलो टाइप है ठीक है होलो टाइप क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी वजह से होलो टाइप जो है वो क्या हो जाता है गुम हो जाता है किसी भी वजह से रीजन हो सकते हैं बहुत सारे लॉस्ट हो सकता है डिस्ट्रॉय हो सकता है ठीक है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा अभी न्यू स्पेसिमिन को यूज करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे वही फिर से उसी फील्ड में जाएंगे और नया स्पेसिमिन कलेक्ट करके लाएंगे सो दैट सिलेक्टेड स्पेसिमिन इज नोन एज न्यू टाइप ठीक है तो हम क्या करते हैं इस टाइप के स्पेसिमिन uh, को क्या बोला जाता है दैट दे आर नोन एज न्यू टाइप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं न्यू स्पेसिमेंट को लेकर आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ होलो टाइप सो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन की बात कर लेते थोड़ी सी सो होलो टाइप इज अ स्पेसिमेन स्पेसिमेन भी हो सकता है या फिर इलस्ट्रेशन भी हो सकता है यूज्ड बाय ऑथर जिन्होंने नाम रखना है उनके द्वारा यूज किया जाता है एज अ नॉमिन टाइप यानी कि नाम रखने के लिए सेकेंड जो है हमारा दैट इज is जो है एनी डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप फील्ड में हम गए थे उसमें से हमने ट्वेंटी सैंपल कलेक्ट किए एक को हमने होलोटाइप कह दिया और बाकी के जो उन्नीस बच्चे थे हमारे उसको हमने आइसो टाइप कह दिया क्योंकि वो एक ही टाइम पे एक ही जगह पे एक ही पर्सन द्वारा कलेक्ट किए गए थे तो सिमिलर ही होंगे दैट्स वाई दे आर नोन एज आइसो टाइप नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट इज लेक्टोटाइप लेक्टोटाइप इज अन दैट इज सिलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल, ओरिजिनल मटेरियल से हम क्या कर रहे हैं सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि होलो टाइप की तरह काम करेगा अगर वहां पे पहले से ही होलो टाइप प्रेजेंट नहीं है तब तब हम आइसो टाइप के किसी स्पेसिमेन को एज अ होलो टाइप रिप्रेजेंट करेंगे तो उस स्पेसिमेन को हम क्या कहते हैं ठीक है तो उसका रीजन क्या हो सकता है कोई भी हो सकता है कि टाइम ऑफ पब्लिकेशन के उस टाइम पे ही उसको डेजिग्नेट नहीं किया गया था दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन नेक्स्ट इज न्यू टाइप अ और इलेस्ट्रेशन सिलेक्टेड एज अ टाइप व्हेन ऑल द मटेरियल ऑन विच द नेम ऑफ टेक्सोन वॉज बेस्ड इज मिसिंग ठीक है अगर वहां पे जिस मटेरियल के बेसिस पे नाम रखा गया था वो ही मिसिंग है या फिर स्पेसिमेन डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर गुम हो चुका है तो उस केस में हम क्या करेंगे नए स्पेसिमेन को वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे यूज करेंगे सो दैट न्यू स्पेसिमेन इज नोन एज न्यू टाइप आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा